मैं बीआर चौधरी, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, सीएलसी सीकर, जेई एडवांस 2019, पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री के पेपर में सेक्शन फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे जो सिंगल चॉइस के हैं, सेक्शन सेकेंड में मोर देन के क्वेश्चन है जो 8 क्वेश्चन है, और सेक्शन थर्ड में इंटीजर के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिकॉर्डेड एट वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम स्टीरेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स प्रोवाइड्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसेल फॉर्मेशन इन द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। लैम्डा एम इक्वल होता है लैम्डा एम इनफिनाइट माइनस बी रूट सी। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफिनाइट माइनस बी रूट सी। इट मीन्स रूट सी के साथ, रूट सी के साथ मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। स्टार्टिंग में मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी रूट सी के साथ, यहां इंक्रीज हो रही। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देख रहे हैं, देखो लैम्डा एम रूट सी मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी अप टू सी एम सी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन तक डिक्रीज होगी। उसके बाद में एनायन एसोसिएट होंगे और एनायन एसोसिएट होकर के मिसेल का फॉर्मेशन कर देंगे, और एनायन के एसोसिएशन से मिसेल का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस अगेन डिक्रीज होगी। इट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एट इक्विलिब्रियम। यू आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू रूट 3RT अपॉन में एम। यू आर एम एस मॉलिक्यूलर वेट पर ऐसे डिपेंड करेगा, यू आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। ऐसे ही एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई एवरेज इज इक्वल टू पर मोलिक्यूल है 3/2 kT। इट मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यू आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास। इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, यू आर एम एस इज डबल्ड वेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम। यू आर एम एस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, यू आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम देन यू आर एम एस इज डबल्ड। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन फोर, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम। तो देखो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इट मीन्स ई एवरेज इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू टाइम नॉट फोर टाइम। सो इट इज इनकरेक्ट। इन द डीके सीक्वेंस यूरेनियम 238 है, देन थोरियम का फॉर्मेशन हो रहा अगेन पीए 234 का, नेक्स्ट में एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक नंबर नहीं, अगेन थोरियम 230 दे रखा है। देखोगे x1 x2 एंड x
x1, x2, x3 and x4 are particles radiation emitted by the respective isotopes. The correct options are, starting with uranium, uranium-238. कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, थोरियम-234. एटॉमिक मास डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाई 4. एटॉमिक मास ओनली अल्फा इमिशन से डिक्रीज होगा, सो एक्स वन इज अल्फा. देन नेक्स्ट, थोरियम कन्वर्ट हो रहा है 91 Pa 234. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1. एटॉमिक नंबर बीटा इमिशन से इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज बाय 1. मास नंबर सेम है. नेक्स्ट x3 के केस में ओनली जेड देकर के एटॉमिक मास दिया है 234. एटॉमिक नंबर नहीं दिया है. नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट में थोरियम दे रखा है, थोरियम 234. यहां एटॉमिक नंबर 90 दे रखा है, यहां एटॉमिक नंबर 90 दे रखा है, मास नंबर दे रखा है 230. मास नंबर 230, इट मींस मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. सो यहां अगेन अल्फा का इमिशन हो रहा है, यहां अल्फा का इमिशन हो रहा है, इट मींस यहां एटॉमिक नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर 92. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जेड जो है, जेड इज एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, सो इट इज एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम. सेकेंड ऑप्शन, x3 इज नॉट गामा रेस. ये x1 है, ये x2 है. अब यहां देखो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अगेन ये बीटा है, जिसको बीटा माइनस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा माइनस. x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. सो डेविएशन अगर देखेंगे, पॉजिटिवली पार्टिकल, इट मींस डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट अल्फा. फोर्थ ऑप्शन, x2 इज बीटा माइनस. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट देखोगे, चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उनसे होना चाहिए जो स्टैंडर्ड स्टेट में हो. देखो 1 मोल का फॉर्मेशन, तो फर्स्ट केस में देखो 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल का C2H6 के 1 मोल का, बट 1 मोल का फॉर्मेशन उनसे होना चाहिए जो नेचुरल स्टेट में हो. हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में, बट कार्बन गैस लिखा है, कार्बन सॉलिड से फॉर्मेशन होना चाहिए. इट मींस द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इज द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन को, इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को. इट मींस ये गैसियस स्टेट में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सेकेंड में देखोगे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है ओजोन के, और जो स्टैंडर्ड स्टेट में है उससे हो रहा है, O2 का नेचुरल स्टेट है ये, O2 से O3 का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ, इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कहेंगे. नेक्स्ट में देखो 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट में देखो फोर्थ ऑप्शन में 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट है S8 नेचुरल स्टेट, ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट O2, उससे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस ये ऑप्शन भी करेक्ट. सो ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. नेक्स्ट
For the following reaction, the equilibrium constant Kc at 298 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 17. Fe plus 2 plus में sulfide है, FeS का formation हो रहा है. When equal volumes of 0.06 m Fe plus 2 and 0.2 m sulfide solutions are mixed, then equilibrium concentration of Fe plus 2 is found to be y into 10 to the power minus 17 m. The value of I is, y की value बतानी. ये जो equilibrium है, Fe plus 2 plus में सल्फाइड FeS का फॉर्मेशन हो रहा है. FeS सॉलिड है, ये एक्वस स्टेट में, ये एक्वस है. इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 17. Kc इज वेरी हाई, Kc इज वेरी हाई, सो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी. रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी. Fe प्लस टू की जो कंसंट्रेशन दे रखी है, Fe प्लस टू की कंसंट्रेशन 0.06, सल्फाइड की कंसंट्रेशन 0.2. बिफोर मिक्सिंग है ये, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, इट मींस कंसंट्रेशन आप हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग. सो कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ये हो जाएगी 0.03, ये हो जाएगी 0.1. इनमें से जो लिमिटिंग रिजेंट होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा FeS में, लिमिटिंग रिजेंट इज Fe+2. सो Fe+2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. रिमेनिंग जो Fe+2 है उसकी कंसंट्रेशन को X से रिप्रेजेंट किया है. यहां देखोगे व्हेन 1 मोल Fe+2 यूज्ड, देन 1 मोल ऑफ सल्फाइड आल्सो यूज्ड, देन 0.1 माइनस 0.03, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड इज 0.07. Kc is equal to FeS सॉलिड स्टेट में, सो एक्टिव मास 1 होगा, अपॉन में Fe+2, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, एक्टिव मास ऑफ Fe+2, सल्फाइड का एक्टिव मास. Kc की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर 17, ये आएगा. Fe+2 की कंसंट्रेशन को X से रिप्रेजेंट किया, सल्फाइड की कंसंट्रेशन है 0.07. यहां से जो X की वैल्यू बताएंगे, X की वैल्यू जो आएगी, X इज इक्वल टू ये आएगा, एट पॉइंट नाइन टू एट इंटू 10 की पावर माइनस 17. राउंडिंग ऑफ करोगे इट मींस ये आंसर हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 8.93 इंटू 10 की पावर माइनस 17. सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ द आंसर इज 8.93. ट्रंकेट अगर कहे, ट्रंकेट का मतलब डायरेक्टली रिमूव करना है, श्रिंक करना है, तो श्रिंक करना है इट मींस क्या बता दोगे, ये 8.928 इंटू 10 की पावर माइनस 17. डायरेक्टली इसको श्रिंक करना है, इट मींस डायरेक्टली 8 को रिमूव करेंगे. सो ट्रंकेट ऑप्शन इज 8.92 इंटू 10 की पावर माइनस 17. राउंडिंग ऑफ से जो आंसर आएगा वो 8.93 इंटू 10 की पावर माइनस 17. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा गिवन इन फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट्स. एक्सपेरिमेंट दे रखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कंसंट्रेशन दे रखी ए की बी की सी की, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है. द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर वेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज फाउंड टू बी वाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स. द वैल्यू ऑफ वाई इज, इस टेबल को देखेंगे,
in experiment first and second, in experiment first and second, the concentration of E is constant, the concentration of E is constant, the concentration of C is also constant, but the concentration of B is double. ये देखोगे 0.1 से 0.2 हो रही है, बट रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. इट मीन्स बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो. नेक्स्ट देखोगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, ए की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, बी की कंसंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट है, सी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है. रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे 6 × 10⁻⁵, यहां देखोगे 1.2 × 10⁴, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रही है. इट मींस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी. नेक्स्ट देखो इन एक्सपेरिमेंट 1 और 4 द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कॉन्स्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज कॉन्स्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 से 0.3 हो रही है. इट मीन्स 3/2 टाइम हो रही है. यहां देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3/2 हो रही है. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑल्सो. ये आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी. आर इज इक्वल टू के द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी. इन फर्स्ट केस आर इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁵. ए की कंसंट्रेशन 0.2 है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2, द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 0.1. द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3 × 10⁻³. रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई. अब आपको कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन उस कंडीशन में क्या होगी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.15, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.25 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 0.15. तो आर इज इक्वल टू, अगेन आर इज इक्वल टू के की वैल्यू 3 × 10⁻³. द कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी की कंसंट्रेशन यूज नहीं होगी, ये 0.15 आएगा. द कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑल्सो 0.15. सॉल्व करोगे आर इज इक्वल टू 6.75 × 10⁵ आएगा. वाई की वैल्यू बतानी थी, वाई इज इक्वल टू 6.75. ऑल्सो राउंडिंग ऑफ से भी ट्रंकेट ऑप्शन भी 6.75. नेक्स्ट ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है. ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 mm ऑफ मर्करी टू 640 mm ऑफ मर्करी. द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट इज. ये डाटा दे रखा है, मोलर मास दे रखा है एंड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट यानी केएफ दे रखा है बेंजीन का. मोलिकुलर वेट 78 एंड केएफ इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. डेल्टा पी अपॉन में पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 650 − 640, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 10, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 640 इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास दे रखा है 0.5 अपॉन में मोलिकुलर वेट एम ए, एन बी मोल्स ऑफ सोलवेंट 39 ग्राम मास दे रखा है बेंजीन का, 39 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन 78. यहां से सॉल्व करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 64 आएगा. अपने को डेल्टा टी एफ बताना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू मोलिलिटी इंटू के एफ. आयोटा 1 होगा, दे रखा है नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट है. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा 1 है, 1 मोलिलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5 मोलिकुलर वेट 64 वेट ऑफ सॉल्वेंट
39 किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, थाउजेंड से डिवाइड करोगे यानी मल्टीप्लाई कर दोगे, केएफ दे रखा है, केएफ की वैल्यू 5.12, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.0256, डेसिमल पॉइंट के बाद टू डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद में टू डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आफ्टर राउंड ऑफ ये आएगा 1.02, ट्रंकेट भी सेम आएगा 1.02। पेपर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वाज इजी एंड कंसेप्चुअल टाइप, नोट लेंथी, मोस्टली क्वेश्चन जो थे उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, इजी पेपर था। थैंक यू। माई सेल्फ आरसी देवीवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन की बात करेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, कंसेप्चुअल पेपर था और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ईजी पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। चार कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिए हुए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली में डायरेक्टली अगर सोलो करने की कोशिश करें तो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 है, तो माइनस आई इफेक्ट देखें तो ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड का हो जाएगा, फिर बेंजोइक एसिड का। और करेक्ट अगर बात करें हम तो ऑन द बेसिस ऑफ PKa वैल्यू, तो जो फर्स्ट है उसका PKa वैल्यू है 1.89, सेकेंड का जो PKa वैल्यू है वो 4.3, थर्ड का जो PKa है वो 4.5 और फोर्थ का जो PKa है वो है 4.8। दीज आर PKa वैल्यू। तो एसिडिक ऑर्डर जो होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पैसेज टाइप का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, C6H10O ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहा है, क्यू प्रोडक्ट बना है, कंसंट्रेट HCl से S मेजर बना रहा है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन अगर हम लें तो फर्स्ट ऑफ तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि जो कंपाउंड दिया है उसमें 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, या फिर हम अगर चेक करें C6H10O का अगर DU वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 आता है। अगर 2 DU आ रहा है तो इसका मतलब इसमें अनसेचुरेशन है, तो फर्स्ट कंपाउंड की जो पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो ये वाला कंपाउंड है। इसकी ग्रिगनार एजेंट से रिएक्शन करवाई है तो MeMgBr और देन हाइड्रोलाइसिस एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है वो क्यों है, क्यों से रिएक्शन 2 वे में मूव हुई है, जो एक है उसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट HCl से, तो कंसंट्रेट HCl से पहले फर्स्ट ऑफ प्रोटोनेशन होगा, देन लिविंग ग्रुप बन जाएगा, Cl- माइनस का अटैक हो जाएगा, SN1 रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज S जो मेजर बोल रहा है। देन इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है 20% H3PO4 से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 20% H3PO4 डिहाइड्रेशन करेगा, तो डिहाइड्रेशन में H2O बाहर होने के बाद ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड है आपका R जो कि मेजर है। फिर R से रिएक्शन फिर वापस 2 पाथ में मूव हुई है, H2 निकल से पहले कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा, देन ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो H2 निकल कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा, फिर Br2Hμ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन करवाने के बाद फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करेंगे तो स्टेबल रेडिकल से Br यहाँ पे आ जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है आपका T है। सेकेंड रिएक्शन करवाइए HBr बेंजोइल प्रोक्साइड से, तो HBr जो बेंजोइल प्रोक्साइड है ये जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोप रूल से, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 एंड Br, ये जो आपका प्रोडक्ट है वो यूं है। अब ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट में बोला है कि S, तो S अपना यही प्रोडक्ट है, ये वाला S हो गया, U की बात करें तो U वाला प्रोडक्ट यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। फिर सेकंड ऑप्शन में S, तो S तो हमारा ये प्रोडक्ट है तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में U जो बोला है तो U यही प्रोडक्ट है, T की बात करें तो T हमारा यही प्रोडक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन भी आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यू की बात की है
तो यू हमारा ये प्रोडक्ट है, तो आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट, क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटेमिक एसिड. तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ग्लूटेमिक एसिड नहीं बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है. तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा. द 2-6 मेंबर साइक्लिक हेमिसेटल फॉर्म डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स. यू नो कि साइक्लिक फॉर्म में दो फॉर्म बनती है, एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, एंड दीज आर एनोमर्स. That means second statement is correct statement. फिर हम मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो मोनोसेक्राइड जो है वो आगे हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन नहीं देंगे. इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो गया, तो ये थर्ड गलत है. फिर फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवर रोटेटरी. तो सुक्रोज है C12 है H22O11. जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है. तो यहां बोला है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवर रोटेटरी फ्रक्टोज. तो ये डेक्स्ट्रोज होता है और ये लिवोज होता है. तो इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकेंड सही हो गया, थर्ड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव, तो सही है स्टेटमेंट ये भी. थर्ड तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4th, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो कैन नॉट ही बोला है. मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, तो नहीं देते हैं. सही आंसर 2, 3, 4. नेक्स्ट, 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एमीन वाले चैप्टर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है. तीन स्कीम दी हुई है, तीनों में फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. पूछा है कि लास्ट जो टी प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ बीआर एटम कितने हैं. तो सिंपल सा है, वेल नोन रिएक्शन है कि एनिलीन की रिएक्शन यदि Br2 ब्रोमीन वाटर से एक्सेस में H2SO कराते हैं तो ट्राई ब्रोमिनेशन होता है ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ट्राई ब्रोमिनेशन में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. देन रिएक्शन करवाई है NaNO2HCl, डायजोनियम सोल्ट फॉर्मेशन होगा और NaNO2HCl डायजोनियम सोल्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला. देन उसके बाद CuCN KCN सैंडमायर रिएक्शन है, CuCN और KCN, तो साइनाइड यहां पे रिप्लेस हो जाए, डायजोनियम सॉल्ट बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और साइनाइड यहां आ जाएगा AbR. नेक्स्ट, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है तो साइनाइड आयन का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, साइनाइड का बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये COH BR BR. देन नेक्स्ट रिएक्शन कराइए SOCl2 और पिरिडीन से, तो SOCl2 पिरिडीन से OH ग्रुप की जगह Cl सप्लाई हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा COCl BR BR और BR. ये आपका प्रोडक्ट है क्यों, जो कि मेजर बोल रहा है. स्कीम सेकंड में बेंजीन की रिएक्शन करवाई है ओलियम से, सल्फोनेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोनेशन. उसके बाद रिएक्शन करवाइए NaOH से और हीट, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. बेसिक मीडियम लिया हुआ है तो फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन में, इसलिए इसके बाद H+ दिया है जिससे वापस से ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाए, यहां ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है नॉन पोलर सॉल्वेंट में इन प्रेजेंस ऑफ Br2 मोनोब्रोमिनेशन होगा, बट बोला है मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मेजर ऑर्थो और पेरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, पर मेजर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा और ये वाला बन जाएगा, ये आपका S प्रोडक्ट आ गया. देन S की रिएक्शन करवाई है NaOH और क्यू जो हमें अभी बनाया है, क्यू वाला जो प्रोडक्ट है अपना ये वाला, तो S जो प्रोडक्ट है अपना S वाला प्रोडक्ट ये वाला है OH BR. इसकी रिएक्शन करवाइए बेसिक मीडियम में तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी,
फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस एन ए प्लस और ये बी आर। देन इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है Q से, जो Q हमने अभी प्रिपेयर किया है। तो Q के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा, ये वाला Q है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ यू करेगा, एसाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। O माइनस यहाँ टेक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होके फिर सी एल लिविंग ग्रुप है, ये वाला बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है आपका इससे ये बन के, तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बी आर, ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और इस रिंग पे तीन बी आर प्रेजेंट है। तो पूछा क्या था कि फाइनल प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4, ड्यू टू दिस आंसर इज 4। मैं राजीव कुमार, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर, आईआईटी जेई एडवांस 2019। मैं क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक पार्ट आया है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक पार्ट में दोनों पेपर, पेपर वन पेपर टू दोनों डिस्कस करूंगा। वेरी फर्स्ट हम लोग पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट में जितने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए हैं, वैसे एक बार इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन की एनालिसिस मैं कर दूँ। इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं एवरेज लेवल के हैं दोनों ही पेपर में। पेपर फर्स्ट में टोटल 7 क्वेश्चन हैं और पेपर सेकंड में 4 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। दोनों पेपर को आप मिला दें टोटल 36 क्वेश्चंस हैं। 36 क्वेश्चन में 1/3 12 होता है, 12 से 1 क्वेश्चन लेस है, 1 क्वेश्चन फिजिकल में ज़्यादा है। पेपर फर्स्ट में 7 क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में 4 क्वेश्चन है। हम लोग वेरी फर्स्ट डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलामाइन, मैलेकाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रेस्पेक्टिवली, इनका फार्मूला पूछा है। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है और ओर दिया हुआ है, ओर का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक, जिंक कार्बोनेट। मैलेकाइट इज द ओर ऑफ कॉपर, इट इज मिक्सड ओर, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट इज मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज Fe3O4 एंड क्रायोलाइट इज Na3AlF6, हेंस करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ZnCO3 कैलामाइन, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड इज मैलेकाइट, Fe3O4 इज मैग्नेटाइट एंड Na3AlF6 इज क्रायोलाइट। ये बिल्कुल ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ ए क्रोमियम सॉल्ट इज ड्यू टू। ये बोरेक्स टेस्ट का क्वेश्चन है, बोरेक्स बीट टेस्ट का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्ट एनालिसिस में रख सकते हो, डी ब्लॉक में भी आप इसको पढ़ते हो। बोरेक्स को Na2B4O7.10S2O जब आप इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है NaBO2 प्लस B2O3 प्लस H2O। NaS2O तो वेपोराइज हो जाता है, जो सॉलिड रेसिड रहता है वो सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास। डी ब्लॉक के मेटल के सॉल्ट या ऑक्साइड इस B2O3 के साथ, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव कलर्ड मेटल मेटाबोरेट बनाते हैं, जैसे Cr2O3 B2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CrBO2 की होल थ्राइस, क्रोमियम मेटाबोरेट। इट इज ग्रीन कलर्ड सॉल्ट, हेंस राइट ऑप्शन इज सेकंड। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टिन क्लोराइड क्यू अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसके बेसिस पे आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन हम पढ़ें,
a tin chloride Q undergoes the following reaction. Reaction is not balanced. Q tin chloride. Tin chloride का chloride के साथ reaction हो रहा है, compound X form हो रहा है. ये tin chloride tertiary amine के साथ react कर रहा है, compound Y form हो रहा है, और CuCl2 cupric chloride के साथ react कर रहा है, compound Z form हो रहा है plus CuCl. आप ये last जो reaction है Q plus CuCl2, ये आप देखें redox reaction है. यहाँ CuCl2 रिड्यूस हुआ है. टिन के दो क्लोराइड होते हैं SnCl2 और SnCl4. SnCl4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है. इसलिए थर्ड रिएक्शन से यह स्पष्ट है कि कंपाउंड Q इज SnCl2, बिकॉज Q इज रिड्यूसिंग CuCl2 इंटू CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड इंटू क्यूप्रस क्लोराइड. वेरी फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखें, क्यू तय हो गया कि ये SnCl2, क्यू इज SnCl2 प्लस क्लोराइड, कंपाउंड एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. नीचे और हिंट दिया हुआ है कि एक्स इज ए मोनो एनायन. मोनो एनायन मीन्स मोनोवेलेंट एनायन. तो मोनोवेलेंट एनायन का फॉर्मेशन ये करेगा, यानी ये दोनों एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है SnCl3 माइनस. नेक्स्ट कह रहा है इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये एक्स की पिरामिडल ज्योमेट्री. आप देखें टिन के पास टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस एक क्लोराइड से आया 5 हो गया. 5 में 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, बिल्कुल सही है. बोथ वाई एंड जेड आर न्यूट्रल कंपाउंड्स. ये सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में वाई एंड जेड आर न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं. सेकेंड रिएक्शन देखें, Q यानी SnCl2 प्लस टर्शियरी एमीन ट्राइमिथाइल एमीन. जाहिर सी बात है SnCl2 लुइस बेस है, हाइपोवेलेंट कंपाउंड है. टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा. एडक्ट का फॉर्मेशन होगा ट्राइमिथाइल एमीन. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा SnCl2 को. ये प्रोडक्ट का नाम दिया है Y, इट इज एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट. नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज Q. Q मीन्स SnCl2 प्लस CuCl2. वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CuCl. जाहिर सी बात है SnCl2 रिड्यूस करेगा CuCl2 को, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो प्रोडक्ट बन जाएगा SnCl4 प्लस 2CuCl. SnCl4 इज कंपाउंड Z. अब करेक्ट ऑप्शन चुन लें. देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वेरी फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y. Y ये है एडक्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. टर्शियरी अमीन SnCl2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. X SnCl3 माइनस. SnCl3 माइनस में आप देखें तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तीन एक चार, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, सेंट्रल एटम इज इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, द सेंट्रल एटम इन Z हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Z इज SnCl4. SnCl4 में टिन के पास चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चार टर्मिनल क्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. यहाँ टिन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है. फोर्थ ऑप्शन देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन जेड इज प्लस टू. जेड में कह रहा है कि सेंट्रल एटम यानी टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू नहीं. यहाँ टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट SnCl4 में प्लस फोर है, इसलिए फोर्थ भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. हेंस करेक्ट ऑप्शन आर वन एंड टू. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी सेक्शन टू का ही है, वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है. यह है फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूसेस ए सॉल्ट W. अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यील्ड अनदर सॉल्ट X. द मैग्नीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड X
respectively are Y and Z correct statement. ये बिल्कुल NCERT D and F block chapter से potassium permanganate के preparation और properties से उठाया हुआ question है. हम लोग पहले out sketch कर लें जो information दिया हुआ है उसको reaction के form में. MnO2 plus KOH in presence of O2 product will be K2MnO4 plus H2. Salt W potassium magnet का formation हुआ है. Next कह रहा है alkaline solution of W upon electrolytic oxidation. इंडस्ट्रियल मेथड है पोटेशियम मैग्नेट को पर मैग्नेट में चेंज करना है. इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन तो ये एनोड पर जो मैग्नेट आयन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है पर मैग्नेट में KMnO4 में. इस सॉल्ट का नाम दिया है पर मैग्नेट का एक्स. The manganese containing ion present in W and X are Y and Z. कह रहा है W में जो anion है वो Y और X में जो anion है वो Z. स्पष्ट सी बात है कि W में जो anion है Y, it is magnet ion and X में जो anion है it is permanganate ion. अब हम ऑप्शन को देखें. वेरी फर्स्ट ऑप्शन है इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन वाई अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव जेड एंड MnO2. अपने को चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं है. ये वाई वाई का मतलब MnO4 2- एसिडिक मीडियम में डालोगे ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है MnO4- प्लस MnO2 प्लस H2. इसलिए एसिडिक मीडियम में एसिडिफाई करके परमैग्नेट का प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं क्योंकि इसका 1/3 पार्ट MnO2 में चेंज हो जाता है. बट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं ये अपने को चेक करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है परमैग्नेट और MnO2 में और ये परमैग्नेट इट इज जेड. सेकेंड तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है. सेकेंड ऑप्शन को चेक करें. बोथ वाई एंड जेड आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप. वाई ये मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है और पर मैग्नेट पर्पल या वायलेट कलर का होता है. कलर्ड है. स्ट्रक्चर आप देखेंगे MnO4 2- का ये स्ट्रक्चर है मैग्नीज 4 टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है. 2 के साथ डबल बॉन्ड 2 के साथ सिंगल बॉन्ड वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. यहां पे मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. ये टेट्राहेड्रल है. सिमिलरली आप पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर देखें. पर मैग्नेट का ये स्ट्रक्चर है. यहां भी मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यह भी टेट्राहेड्रल है. तो बोथ वाई एंड जेड आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप. ये सही है. नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखें. इन बोथ वाई एंड जेड पाई बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से पाई बॉन्ड बनाने वाला जो मैग्नीज का ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन तो चूंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है अपने 2p के साथ ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. तो यहां दोनों ही पाई बॉन्ड जो है ये 2p पाई 3d पाई बॉन्ड है. 2p पाई 3d पाई बॉन्ड. सिमिलरली परमैग्नेट में भी ये पाई बॉन्ड 2p पाई 3d पाई बॉन्ड है. तो ऑप्शन थर्ड भी सही है. नेक्स्ट ऑप्शन 4. वाई इज डायमैग्नेटिक इन नेचर व्हाइल जेड इज पैरामैग्नेटिक. मैग्नेटिक नेचर देखें वाई का. वाई MnO4 2- में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और पर मैग्नेट में ये +7 में है.
मैग्नीज जब प्लस सिक्स में होगा तो डी में वन इलेक्ट्रॉन होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, और Mn प्लस सेवन में होगा तो डी जीरो होगा, इनर कन्फिग्रेशन नोबल गैस कन्फिग्रेशन है जहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक। तो Y पैरामैग्नेटिक है और Z डायमैग्नेटिक है, जबकि यहां कह रहा है Y डायमैग्नेटिक Z पैरामैग्नेटिक, जस्ट रिवर्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वन और मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स ए सेट ऑफ फोर मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल फोर मॉलिक्यूल पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। अपने को देखना है सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में कि कौन पोलर है, किसमें परमानेंट डायपोल, नेट परमानेंट डायपोल मोमेंट है। आप वेरी फर्स्ट देखें NO2, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं NO2, NO2 का ये स्ट्रक्चर है, दो डायपोल हैं NO डायपोल और एंगुलर शेप है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, पोलर है ये। NS3, NS3 में तीन NS डायपोल है ना, और स्ट्रक्चर भी इसका पिरामिडल है, इसलिए ये भी पोलर होगा। POCl3, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तीन PCl डायपोल, एक PO डायपोल कैंसिल नहीं करेगा, नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, ये भी पोलर है। CH3Cl, ये भी CCl बॉन्ड पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल पोलर है, यदि CH4 रहता या CCl4 रहता तो नॉन पोलर होता, बट इट इज पोलर। तो ऑप्शन वन में चारों मॉलिक्यूल पोलर है। ऑप्शन टू चेक करें SO2, SO2 एंगुलर है, दो SO डायपोल, दोनों का सम टोटल नॉन जीरो होगा, पोलर है। C6H5Cl, ये भी CCl बॉन्ड की वजह से पोलर है। H2Se, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट BrF5, BrF5 का स्ट्रक्चर आप देखें, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है और ये इन चारों डायपोल का जो सम टोटल होगा ये इस डायपोल की तरफ होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट यहां भी नॉन जीरो है, ये भी पोलर है चारों मॉलिक्यूल। नेक्स्ट थर्ड, इसमें आप देखें BF3 नॉन पोलर है, तो ये थर्ड नहीं होगा। फोर BeCl2 और CO2, ये दोनों ही, और BCl3, फर्स्ट थ्री मॉलिक्यूल, ये तीनों ही नॉन पोलर हैं, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन वन एंड टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ HCF4 विथ O2F2 प्रोड्यूसेस ए ज़ेनन कंपाउंड Y। ये NCERT से लिया गया है, P ब्लॉक से क्वेश्चन है, HCF6 का प्रिपरेशन मेथड है, HCF4 का आप रिएक्शन O2F2 के साथ करवाएंगे, ये HCF6 प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा, कराया ये ज़ेनन कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, Y नाम दिया है इसका। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल Y। HCF6 ज़ेनन के पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन के साथ, टर्मिनल फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर ज़ेनन पर प्रेजेंट है, फ्लोरीन के 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो हर एक फ्लोरीन पर तीन लोन पेयर आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो जाएंगे, फ्लोरीन पे टोटल 3 × 6 और ज़ेनन पे वन लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 19। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, आंसर इज 19। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग दीज मॉलिक्यूल्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड मतलब सेम ही एलिमेंट के दो एटम के बीच बॉन्ड होना चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स में किस में कितने में ऐसा है, ये अपने को सर्च करना है। अब B2S6 का आप स्ट्रक्चर देखें तो B2S6 में कहीं भी दो एलिमेंट के बीच बॉन्ड, सेम एलिमेंट के दो एटम के बीच बॉन्ड नहीं है।
B3 एंड 3H6 का स्ट्रक्चर देखें, यहां भी BN बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, BH बॉन्ड है, कहीं भी सेम एलिमेंट के दो एटम के बीच बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट इज N2O, N2O का स्ट्रक्चर में NN के बीच बॉन्ड है, तो एक तो ये हो गया सेम एलिमेंट के एटम के बीच बॉन्ड। नेक्स्ट इज N2O4, N2O4 में भी NN के बीच बॉन्ड है, इसलिए ये भी आंसर होगा। नेक्स्ट इज H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, यहां SS बॉन्ड है, इसलिए ये भी आंसर होगा। नेक्स्ट इज H2S2O8, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, पेरोक्सी बॉन्ड सेम एलिमेंट ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये भी होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, टोटल ऐसे मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4 हैं जिसमें सेम एलिमेंट के एटम के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा 4।